आज ये महत्वपूर्ण साधना है। कल क्या होगा भगवान के भरोसे। अग्र करे ने चाकरी, पंची करे ने काम, दास होने का कह गए सबके दाता राम। भगवान अपने आप देगा, भगवान अपने आप देकर देता होते हुए हमारी उस ग्रंथि निष्क्रिय हो गई। हमारे ऋषियों को ज्ञात थी और ऋषि अपने गुरुओं के माध्यम से उस ग्रंथि को जागृत कर लेते थे, मगर हमें यह भी मालूम नहीं कि मस्तिष्क में वो ग्रंथि कहां पर है, कैसे जागृत की जाती है, किस उच्चारण से, किस मंत्र से की जाती है, कैसे की जाती है। उसका उपयोग भूल गए तो वो छोर हमारे हाथ से निकल गया, वर्षी का वो दूसरा धागा निकल गया और हम भूत काल तो देखने की ज्ञात रह गए हमें, पर भविष्य काल देखना भूल गए हम। इस प्रकार की साधना को त्रिनेत्र साधना कहा गया। तीसरा नेत्र, ये दो नेत्र तो देखते ही है, उस तीसरा नेत्र भगवान शिव का जैसा तीसरा नेत्र होता है जिसके माध्यम से वो श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। तीनों क्रियाएं उस ग्रंथि के माध्यम से ऐसा संभव है जो कि आपके आज्ञा चक्र से लगा करके और यहां तक की एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि के माध्यम से यह सब कुछ संभव है। और जब तक इस ग्रंथि को हम जागृत नहीं करेंगे, चैतन्य नहीं करेंगे, तब तक उस ग्रंथि का उपयोग नहीं हो सकेगा। ये ढोलक पड़ी है, जब तक इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तब ढोलक पड़ी रहेगी, नहीं बजेगी। अब मैं ये साधना प्रारंभ करवा रहा हूं। मंत्र दत्वा, अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप, मैं बोलूंगा आप मेरे साथ बोलेंगे, आपको भी मंत्र दे दिया है लेकर के, बोलिए ओम रूम क्लीम भूत भविष्य वर्तमान दर्शय रीम क्लीम फट। ओम रूम क्लीम भूत भविष्य वर्तमान दर्शय रीम क्लीम फट। ओम रीम क्लीम भूत भविष्य वर्तमान दर्शय रीम क्लीम फट। इसके केवल पांच बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बिंदु तो ये कि ये रोज 11 माला मंत्र जाप करने का विधान है। दूसरा, यह भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप होगा। ये आप अपने पूजा स्थान में माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर दोनों कुटिकाएं रख करके फिर मंत्र जाप करेंगे और रात्रि कालीन साधना है। रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। उसके बाद चाहे तो एक माला मंत्र जाप और कर सकते हैं, मगर 12वें दिन 11 दिन करने के बाद में ये यंत्र और ये माला और ये गुटिकाएं रख देनी है। यंत्र और माला दोनों और माला तीनों नदी में प्रोवाइड कर देने, गुटिकाएं दोनों पूजा स्थान में रहेंगी आपकी। इसमें केवल तेल का दीपक लगाएं, कोई भी तेल हो दीपक लगना जरूरी है, जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक। इस प्रकार से 11वें दिन ही आपको अपने आप में पूर्ण, अगर आप पूर्ण मनोबल पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पूर्ण क्षमता पूर्वक साधना करते हैं तो शास्त्र विधान है कि 11वें दिन सफलता मिलती ही है और मिली है। आवश्यकता है कि आप निर्दिष्ट होकर के पूर्ण अनुरक्त होकर के दीप में एकदम उसमें अनुरक्तता कर दे, उसके अलावा दिखे उस मंत्र के अलावा इतनी गहराई के साथ में आप करें और मंत्र जब से पूर्व गुरु पूजन कर लें, मंत्र जब के बाद में भी गुरु पूजन कर लें। बाकी मेरा आपको आशीर्वाद है कि आपको पूर्ण सफलता मिले, मगर आपको सफलता मिले ये जरूरी है।